राजधानी भोपाल स्थित छोला विश्व हिंदू परिषद बचंगल कार्यालय के सामने विश्व हिंदू परिषद बचंगल द्वारा चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, थाना गौतम नगर क्षेत्र में बढ़ते अपराधों को लेकर विश्व हिंदू परिषद बचंगल द्वारा थाना गौतम नगर का घेराव करने जा रहे लोगों को थाना हनुमानगंज पुलिस द्वारा रोका गया है, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद बचंगल द्वारा अपने कार्यालय विश्व हिंदू परिषद के सामने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों के सामने रखा, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे संवाददाता ने राजेश साहू विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री भोपाल से बात की तो उन्होंने बताया कि जिस तरह थाना गौतम नगर अंतर्गत अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कई बार हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा थाना प्रभारी को सूचना देने के बावजूद भी अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस पर थाना प्रभारी कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रहे, चाहे बात हो चरस गांजे की तस्करी की या महिलाओं की सुरक्षा की। तो आइए देखते हैं ये खास खबर हमारे संवाददाता आदिल खान के साथ। राजेश साहू विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री भोपाल। आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे छोला मंदिर? धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम थाना गौतम नगर का घेराव करने आए थे, परंतु शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बोला कि आपकी सभी मांगों को पूर्ण किया जाएगा, इसलिए हम सांकेत रूप से यहाँ पर इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। थाना गौतम नगर क्षेत्र में कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि लगातार अपराध, मारपीट, झगड़े बढ़ रहे हैं, और वहाँ पर शैक्षणिक संस्थाएँ होती होने के बावजूद भी थाने के पास में वहाँ पर हिंदू समाज की बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़, अपहरण और लव जिहाद की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। धर्मांतरण के मामले ईसाई पादियों द्वारा प्रलोभन देकर खुलेआम धर्मांतरण किया जा रहा है। टीआई साहब का इस पर कोई अंकुश नहीं है, हमारे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा समय समय पर उनको बताया जाता है। पिछले दिनों रानी अहिरवार करके एक महिला है, उसको किसी समुदाय विशेष के लोगों ने मारपीट करी, उसका शौचालय तोड़ा, उसका घर तोड़ा, वो झुग्गी में रहती है, 30 वर्षों से रहती है। माननीय टीआई साहब को अवगत कराया, टीआई साहब ने दोनों पक्षों का समझौता कराया, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। आज वर्तमान में वो महिला अपना घर छोड़कर झुग्गी बेचकर दूसरे जान स्थान पर जाने को विवश हो रही है। जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदू समाज पलायन कर रहा है, वैसे ही थाना गौतम नगर क्षेत्र में वो महिला अपना घर छोड़कर बेचकर पलायन करने को मजबूर है। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कतई नहीं सहेगा। भोपाल के किसी भी थाने पर कहीं भी कहीं पर भी हिंदू समाज के कार्यकर्ता समय समय पर लोगों को अवगत कराते हैं। यदि इस तरह से हमारे बात को दबाया जाए, कुचला जाएगा और नहीं सुनी जाएगी, तो हम रोडों पर आकर प्रदर्शन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।